कुछ बहुत बड़ी बात रही होगी तभी ये शिक्षक यहाँ आए हैं। इनका काम कक्षाओं में पढ़ाना है, राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण योगदान में देना है। अगर इनकी समस्याओं का निर्धारण यह कार्यालय नहीं कर पाया है तभी ये लोग आए हैं। और जिला विद्यालय निरीक्षक या जेडी साहब या पूरा जो अमला है ये शिक्षकों के विरोधी नहीं है, पूरक माने जाते हैं, ये हमारे हितों के संरक्षक हैं, ये कस्टोडियम हमको जो एक्ट द्वारा जो अधिकार मिले हैं उनके संरक्षक हैं। लेकिन हो रहा उल्टा, ये प्रबंधकों के गोद में बैठ के उनकी वाली करते हैं केवल। अभी हमारे जिला मंत्री जी बताए ना कि कई मामले ऐसे आए प्रबंधकों का जिसमें यह देखा गया कि डीआई साहब कह रहे थे अरे बड़ा मजबूत प्रबंधक, हम कैसे एक्शन लें। यहाँ किसी को शौक थोड़े है कि आके दरी पर बैठे अपने कार्यों को छोड़ के एक बजे के बाद भरी धूप में, जाहिर है कोई बहुत बड़ी बात रही होगी। ये सिटीजन चार्टर लगा है, देख ही रहे हैं, उससे इतर सारा कार्य हो रहा है, उसके अनुरूप कुछ भी नहीं हो रहा है। तो नवनीत भाई आप शांत क्यों हैं? आप शांत क्यों हैं? सिटीजन चार्टर क्यों नहीं लागू हो रहा है? नया सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जो शिक्षक नेता है उनका जो निर्देश होता है उसी के अनुसार हम तो शिक्षकों में हम लोग कार्यकर्ता है, जब भी अनुरोध होता हम लोग आ जाते हैं। हम लोग शांत नहीं है, हम लोग अवसर इनको दे रहे हैं और ये हम लोग की सदाशयता का बेजा इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। क्यों अवसर दे रहे हैं आप? क्या मजबूरी है, अवसर क्यों दे रहे हैं उनको? हम लोग चाणक्य और द्रोणाचार्य के परंपरा के शिक्षक हैं और आज संयोग से 23 सितंबर है, रामधारी सिंह दिनकर जी का आज जन्मदिन भी है और आज के दिन उनकी इस उक्ति को मैं दोहराना चाहूंगा। जब भगवान कृष्ण गए थे धृतराष्ट्र के दरबार में, अब मैं कहूंगा नहीं कि यहाँ धृतराष्ट्र कौन है, तो वहां उन्होंने कहा था हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लो अब मैं जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। हमारे यशस्वी अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना चल रहा है, वयोवृद्ध नेता भाई अयोध्या प्रसाद राय जी जो है रिटायर हुए, इनको 7-8 साल से ऊपर हो गए, लेकिन हमेशा शिक्षक हितों के प्रति समर्पित रहते हैं। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से संक्षिप्त सूचना पे आए हैं, बिना सूचना पर पेपर सोशल मीडिया। अब समझिए वो सूंघ के आ गए हैं कि हमारा शिक्षक परेशान है, उसको उस परेशानी से बाहर निकालना है। और यहाँ तमाम ऐसे वयोवृद्ध प्रधानाचार्य लोग हैं, शिक्षक हैं, कुछ नव नियुक्त शिक्षक हैं, तो ये आए हैं कि भाई ऐसा हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे शिक्षा मंत्री भी कहते शिक्षक है, वो तो रिटायर्ड प्रिंसिपल बताते हमने आपको। भाई शिक्षक तो कल्याण सिंह भी थे, शिक्षक तो मुलायम सिंह भी थे, शिक्षक तो बहन मायावती जी भी थी। तो यह नहीं है जो शिक्षक था वो जैसे शिक्षक के पदवा धटता है तो अपने आप को शिक्षक नहीं मानता है। वाजपेयी जी भी शिक्षक पुत्र थे लेकिन उन्होंने 5वां वेतन आयोग दिया था, उसके लिए मैं तारीफ करूंगा, साथ ही साथ एनपीएस भी दे दिया, एनपीएस भी दे दिया, इसके लिए भी भर्सना भी करूंगा। राजनाथ सिंह जी शिक्षक थे, तो पाणे जी ऐसी बात नहीं है, जो अपना होता है ना लोहा जो है, लोहे की कुल्हाड़ी होती है वह पेड़ को नहीं काटती है जब तक उसका हत्था जो है लखड़ी का नहीं लगाया जाता। आखिर आज धरने के दिन अधिकारी गायब क्यों हैं? अक्सर गायब रहते हैं, पहली बार नहीं है, मैं तो 20 साल से शिक्षक हूँ, आज ही की बात नहीं है। ये अधिकारी लोग ताती छोड़ के भाग जाया करते हैं। मैं 20 साल पहले की एक घटना बता रहा हूँ, यही नीचे धरना लगा हुआ था डीआईएस ऑफिस पे, लोग सोचे कि लग रहा है डीआईएस साहब भाग गए क्या। अयोध्या प्रसाद राय जी उस समय के थे,
उनको संज्ञान रहा होगा, जब लोग ऑफिस में गए तो देखे डीआई साहब भागे नहीं थे, कुर्सी के नीचे छुपे हुए थे। कुर्सी के नीचे, कुर्सी छोड़ के जो बीच की जगह होती है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के संघर्ष में भी कमी है। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा, हमारी एकता में भी कोई अभाव जरूर है। नहीं तो जो अधिकारी हमारे संरक्षण के लिए रखे गए हैं, वो भाई काकस बना के हमारा विरोध क्यों करेंगे, क्यों कर रहे हैं? उसके लिए समाज भी दोषी है, हम भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, हम भी कहीं ना कहीं अवसर इनको दे रहे हैं। नहीं तो जिस दिन पहला काम ये रोके, पहला किसी शिक्षक का, अब सोचिए जो जीपीएफ में, जीपीएफ हर शिक्षक अपना होता है, किसी की लड़की की शादी होनी है, किसी का गृह निर्माण होना है, किसी का कोई दवा ववा कराना है, अभी जानकारी मिली कि लोग दिए हैं और उसके बाद पता चला महीनों तक लंबित है। क्यों लंबित रख रहे हो भाई? इसलिए रख रहे हैं कि देर होगी तो वह बैक डोर से सिफारिश लेके आएंगे, और जब बैक डोर से सिफारिश लेके आएंगे तो कुछ पैसा वैसा की बात होगी। भाई आप हर चीज लिखा है उसके अनुसार चलिए ना। हमारा तो कोई घर में बना हुआ नियम नहीं है, एक एक नियमावली संविधान निर्मित विधान परिषद और विधान सभाओं द्वारा पास होके एक्ट के रूप में लिखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि किसी अधिकारी के विवेक पर कुछ है, विवेक पर यहाँ कुछ नहीं है, हर चीज एक्ट में लिखा गया है, उस एक्ट के नियमों के हिसाब से आप काम कीजिए, हमारा आपका क्या विरोध है। तो मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि जब जब हमारे शिक्षक नेता पुकारेंगे, हमारे सारे, देखिए ये बहुत 24 घंटे की संक्षिप्त सूचना पर 100-150 की भीड़ आ गई, अगर ये लोग एक दो दिन पहले बताए होते तो हो सकता है 1,500 की भीड़ आ जाती। तो जब जब ये लोग पुकारेंगे हम लोग आएंगे, और इन अधिकारियों को इनकी जिम्मेदारियों से रूबरू कराने का काम हम लोग करेंगे। और कोई सवाल हो तो पूछिए।